हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार स्मार्ट कंप्यूटर रायसेनगर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। जब भी जर्नल एंट्रीज की अगर जिक्र होएगा तो दो क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन भी जर्नल एंट्रीज होती क्या है, और सेकेंड क्वेश्चन भी एक अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट को कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले जर्नल एंट्रीज सीखना क्यों जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि अकाउंट्स का जो आधार है वो सारा डेबिट और क्रेडिट के बेस पर ही चलता है। यानी कि हर एक अकाउंट में, चाहे आपका अकाउंट का बिजनेस किसी भी टाइप का है, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो कमीशन एजेंट्स है, या किसी भी अदर टाइप का बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन जो भी बेस रहेगा वो डेबिट और क्रेडिट ही होता है। जब भी हम किसी बिजनेस की रियल वाउचर से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो परचेज वाउचर को देख के परचेज एंट्री बनाना, सेल्स वाउचर को देख के सेल्स की एंट्री तय करना, इसी तरीके से पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या बैंकिंग संबंधित जो भी अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, उस अकाउंटिंग वाउचर को देख के उसमें से एक डेबिट लेजर तय करना और एक क्रेडिट लेजर को तय करना हमारी एक जर्नल एंट्रीज बन जाती है। अब रही बात कि अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट को जर्नल एंट्रीज सीखना क्यों जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम अकाउंटिंग का बेस अगर हमारा मजबूत बनाना है तो सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट लेजर की पहचान होनी बहुत ही जरूरी है। जब तक आप डेबिट और क्रेडिट तय करना सीख नहीं लेते, तब तक आप चाहे टेली, बीजी या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हो, तो आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, न कि अकाउंटेंट हो। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज अच्छी तरीके से है, प्रैक्टिकल रूप से नॉलेज आपको है, अगर आपको टेलीविजन या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस दिन भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो भी अकाउंट्स का बेस होता है वो हमारा मैनुअल अकाउंटिंग से ही बेस मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से या अकाउंटिंग टेलीविजन या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना आपने शुरू किया था, तो कुछ एक जर्नल एंट्रीज भी आपको सिखाई गई थी। लेकिन जब भी उस जर्नल एंट्रीज में से भी डेबिट और क्रेडिट कैसे तय करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके के वर्डिंग थे कि व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो, वस्तु को देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, या व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो और पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। ये अकाउंटिंग के रूल होते हैं कि व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट होती है और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि वहाँ पर वस्तु किस चीज़ को बोला गया है, या पाने वाले को डेबिट करो तो पाने वाला शब्द किसको बोला गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं जो चार वर्ड हमने बोले थे, इसी को चार वर्ड के बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से एक सेकंड में भी आप डेबिट और क्रेडिट निकालना सीख जाओगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस वीडियो को लास्ट में भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा डेबिट और क्रेडिट से संबंधित ही। तो उसके जो भी टॉप 5 विनर रहेंगे उसका अनाउंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अकाउंट्स को एक प्रैक्टिकल रूप से सीखना चाहते हो, टेलीबीजी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, तो उससे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अकाउंट्स को प्रैक्टिकल रूप से सीखना चाहते हो, तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग का बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। अगर आप भी स्टेप टू स्टेप अकाउंट्स को परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो और एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे टोटल वीडियो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेसिस पे ही बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक बिजनेस में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो अकाउंट्स की अगर बात करें तो एक लेजर होता है हमारे पर्सनल लेजर्स, यानी कि पर्सनल अकाउंट। एक होते हैं रियल अकाउंट्स और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से लेजर कवर होते हैं?
जिस व्यक्ति के साथ, जिस सप्लायर्स के साथ, जिस कंपनी के साथ या जिस बैंक के साथ हम लेन देन करते हैं, जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स में कवर होते हैं। जैसे हमने राम से सामान खरीदा तो हम ये लिखेंगे राम हमारा पर्सनल अकाउंट में कवर होएगा। अगर हमने कह दिया भी श्याम को सामान बेचा तो जो श्याम है वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इसके साथ भी हमने ट्रांजेक्शन करी है। जैसे हमने कह दिया मैंने SBI बैंक में पैसा जमा कराया है, SBI बैंक से पैसा विड्रॉल कराया है या SBI बैंक से भुगतान किया है, जो SBI बैंक है, जो SBI बैंक का लेजर है वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में कवर होता है। रियल अकाउंट में जो बिजनेस के जो वास्तविक खाते होते हैं जिसके दम पे बिजनेस चलता है, यानी कि बिजनेस में सामान का खरीदना यानी कि परचेज, सामान का बेचना यानी कि सेल और केस, ये हमारे रियल अकाउंट्स में कवर होते हैं। तो फ्रेंड आपको मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जीरो लेवल से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं। और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं या बिजनेस की जो इनकम होती है, आय या खर्चे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल यहाँ से जीरो लेवल से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ आपको, ताकि एक नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, एक अनपढ़ व्यक्ति के भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप भी एक सेकंड में एक डेबिट और क्रेडिट तय कर दोगे किसी भी अकाउंटिंग वाउचर को देख के या किसी भी आपके सामने अगर कोई वर्डिंग लिखा हुआ है उसको देख के। तो फ्रेंड ये होते हमारे रियल अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट और ये हमारे पर्सनल अकाउंट। तो फ्रेंड अब जब भी हम डेबिट और क्रेडिट तय करते हैं तो हमें एक पता होना चाहिए, जो यहाँ पे वस्तु बोला गया था भी आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। अब यहाँ पे जो वस्तु का जो वर्ड बोला गया था वो था पैसा और गुड्स, ये हमारी वस्तु बोला गया था भी जब पैसा और सामान आपके व्यापार में आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर पैसा या सामान अगर व्यापार से जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इजी लैंग्वेज आपको मैं बता देता हूं, सामान यानी कि गुड्स, उसके बाद कैश यानी कि नकदी और कस्टमर या सप्लायर्स। सप्लायर्स हम किसको बोलते हैं, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, और कस्टमर किसको बोलते हैं, जिसे हम उधार सामान बेचते हैं। तो फ्रेंड्स देखो सामान, सामान यानी कि गुड्स। अब गुड्स आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका बिजनेस किराना का है तो आपके बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे जैसे शुगर वगैरह होगी, राइस वगैरह होगी या हल्दी वगैरह, चावल वगैरह, मसाले वगैरह जो भी है आपको वो गुड्स रहेगा। यानी कि जिस बिजनेस में जो सामान हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं वो हमारे ट्रेडिंग गुड्स बोलते हैं उन्हें। तो अब ये सामान यानी कि गुड्स, अब सामान का जिक्र कब कहाँ होएगा, यह तो अगर व्यापार में आ रहा है तब होएगा या व्यापार से जा रहा है तब होएगा। अगर व्यापार में सामान आ रहा है तो डेबिट होता है, अगर व्यापार से सामान जा रहा है तो क्रेडिट होएगा। इसी तरीके से अगर बात करें कैश की तो कैश का भी जिक्र कब होएगा, यह तो जब पैसा व्यापार में आता है तब होएगा, यानी कि व्यापार में पैसा आ रहा है तब, अगर आएगा तो डेबिट, अगर जाएगा पैसा व्यापार से यानी कि दुकान से हमारे या हमारी कंपनी से या हमारे फर्म से अगर पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दो लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को भी, एक लाइन को देख के आप एक सेकंड में डेबिट और क्रेडिट कैसे तय करोगे। मान लीजिए हमने एक वर्डिंग लिखा राम ट्रेडिंग कंपनी से 12,160 रुपए का किरियाना सामान खरीदा और इस पार्टी ने मैं इनवॉइस दी है और उस इनवॉइस का नंबर आ गया, तो आप इस इनवॉइस नंबर भी बोल सकते हो या आप इसे बिल नंबर भी बोल सकते हो। हम लिख दिया भी 945 नंबर इसने इनवॉइस हमें दी है। तो फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस लाइन को देख के एक मिनट में डेबिट और क्रेडिट तय कर देंगे,
लेकिन अगर इसी अकाउंट लाइन का अकाउंटिंग वाउचर, ओरिजिनल वाउचर अगर आपके सामने आ जाए तो इसमें मात्र 10 या 20% लोग इसको तय कर पाएंगे भी इस अकाउंटिंग वाउचर में से डेबिट और क्रेडिट ये होएगा, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट में या आपको जो इंस्टीट्यूट में समझाया गया है वो इस तरीके की लाइन लिखा के आपको बताया गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे ही करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस पे भी सिखाते हैं, तो आपको वो अकाउंटिंग इस लाइन से न समझा के एक वाउचर से समझाते हैं। हमें वाउचर से डेबिट और क्रेडिट निकालना आना चाहिए, न कि लाइन से, क्योंकि जब भी हम रियल बिजनेस में प्रैक्टिकल रूप से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमें वाउचर से एंट्रियाँ करनी होती है, न कि कोई लाइन देख के। चलो हम इस लाइन में से अगर बात करें भी, इस लाइन को देख के आप एक सेकंड में डेबिट और क्रेडिट एक फ्रेशर अकाउंटेंट कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमारे सामने लाइन लिखी गई है उस लाइन में सामान का कोई जिक्र हो रहा है, कोई नकदी का जिक्र हो रहा है या कस्टमर या सप्लायर का जिक्र हो रहा है। सबसे पहले तो हमें इन 3 या 4 लेजर को देखना है। सबसे पहला ये देखना सामान, किराना सामान, इस किराना सामान का जिक्र इसमें लाइन में हुआ है। अब हमें देखना है भी सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है या हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो राम ट्रेडिंग कंपनी से 12,160 रुपये का किराना सामान खरीदा। अब खरीदने वाला कौन है? हमारी बुक्स में खुद है। हम ये नहीं लिखेंगे भी हमने राम ट्रेडिंग कंपनी से 12,160 रुपये का सामान खरीदा। हमारी बुक्स में अगर ये जिक्र हो रहा है इसका मतलब खरीदने वाले हम हैं। अगर हम खरीद रहे हैं तो किराना सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो किराना सामान जब बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है। जैसे आपके जो वर्ड बताया गया था, अभी व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो, अब यहाँ पे वो वस्तु का नाम किराना सामान है। अब किराना सामान हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो हम इसको डेबिट कर दिया। अब हमें ये चीज़ भी देखना है भी इस किराना सामान इस लाइन में कोई केस का जिक्र हो रहा है क्या, यानी कि कोई नगद का कोई जिक्र हो रहा है क्या, लेकिन हमने कोई नगदी का वर्ड इस लाइन में कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये उधार है। और उधार की कंडीशन में क्या होता है कि उधार देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं, तो अब देने वाला कौन हो गया? राम ट्रेडिंग कंपनी, इसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर कल को आपको इस ये चीज़ पूछा जाए भी इस लाइन में कौन कौन से अकाउंट्स कवर हो रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए भी राम ट्रेडिंग कंपनी जिसे हमने ट्रांजेक्शन करी है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में है, और ये सामान हमने परचेज किया तो ये हमारा रियल अकाउंट भी है। यानी कि इस लाइन में एक हमारा पर्सनल अकाउंट आ रहा है और एक रियल अकाउंट आ रहा है। चलो ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं जीरो लेवल से बता रहा हूँ भी डेबिट और क्रेडिट कैसे तय करते हैं। अब आप ये कहोगे भी 50,000 से या 1,00,000 रुपये सबसे पहले बिजनेस शुरू करने की एंट्री होती है, तो फ्रेंड्स चाहे आप 10,000 से बिजनेस शुरू कर रहे हो चाहे आप 1,00,000 से बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू करने की कहानी एक अलग होती है, लेकिन एक लाइन को देख के हम डेबिट और क्रेडिट की कहानी एक बार समझ रहे हैं। बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, उसमें से 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या 50,000 की इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है वो भी हमें जानना जरूरी होता है। ये नहीं है केवल हमने अकाउंट्स की बुक्स में ये चीज़ देख ली भी 50,000 से बिजनेस शुरू किया राम ने। अब राम ने बिजनेस 50,000 से किया तो उस 50,000 का जो प्रोसेस है उसका भी हमें एक स्टोरी तैयार करनी होती है। तो मैं हम केवल आपको डेबिट और क्रेडिट एक सेकंड में देखना किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से राम ट्रेडिंग से सामान खरीदा, सामान हमारे बिजनेस में आ रहा है तो सामान बिजनेस में आएगा तो डेबिट करेंगे और उधार देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक एंट्री और लिखें भी कमल को 500 रुपये का किराना सामान बेचा, कमल को 500 रुपये का किराना सामान हमने बेचा है और हमने इसको इनवॉइस भी दी है जिसको हम बिल नंबर भी बोल सकते हैं 001, क्योंकि हमारे बिजनेस का फर्स्ट इनवॉइस है तो हम 001 ले रहे हैं इसको। तो कमल को 500 रुपये का किराना सामान बेचा, अब हमें पता भी इसके अंदर भी किराना सामान का जिक्र हो रहा है। अब किराना सामान का जिक्र हो रहा है तो अब इसको देखेंगे भी एक किराना सामान बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, यानी कि सामान बेचा तो हमारी तरफ से सेल हुई है, तो इसका मतलब ये जो सामान है हमारे बिजनेस से जा रहा है। जब सामान हमारे बिजनेस से जाता है यानी कि आउट होता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो किराना सामान हमारा क्रेडिट रहेगा। अब इसमें नगद का कोई भी जिक्र नहीं है, हमने ये नहीं लिखा भी कमल को 500 रुपये का नगद किराना सामान बेचा, हमने केवल ये वर्डिंग लिखी है भी कमल को 500 रुपये का किराना सामान बेचा, तो इसका मतलब नगद का जिक्र नहीं है तो ये एंट्री उधार है, और उधार की एंट्री के ट्रांजेक्शन में हम लेने वाले को डेबिट करते हैं।
जैसे आपके वो जो वर्डिंग थी वे पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, तो ये पाने वाला कौन हो गया, कमल, यानी कि जिसको हम उधार सामान बेचते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो अगर हमें कोई इस टाइप की एंट्री आ जाए भी कमल को 500 रुपये का नगद किराना सामान बेचा या राम ट्रेडिंग कंपनी से नगद सामान खरीदा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए एक वर्ड हमारे सामने ये आ जाता है, कमल को 1000 रुपये का नगद किरियाना सामान बेचा और इसको बिल नंबर हमने दिए 2। अब आप इस लाइन को देख के भी आप एक सेकंड में डेबिट और क्रेडिट तय कर सकते हो, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल वाउचर अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे देख के भी क्या निकाल सकते हो, तो इसका ओरिजिनल जो वाउचर नंबर है वो ऐसा रहेगा, यानी कि अब हेडिंग में नाम किसका रहा है, स्मार्ट काउंटिंग RSNR का, और यहाँ पर इसका इन्वॉइस नंबर रहेगा, ये 002 हमने लिखा था, और ये इसकी डेट रहेगी, और 1000 रुपये का जो सामान बेचा है उसके अंदर ये आइटम की डिस्क्रिप्शन ये रहेगी, इसमें इसके क्वांटिटी पर क्वांटिटी का रेट और इसकी आइटम की टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल आइटम की कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये 1000 रुपये इस इन्वॉइस की नेट अमाउंट भी बन जाएगी। कमल को 1000 रुपये का नगद किराना सामान बेचा, अब हमें पता है इसमें भी सामान का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, अब सामान का जिक्र हो रहा है तो सामान हमने सेल किया है, तो सेल बिजनेस से सामान हमारा जा रहा है, तो हम किराना सामान को क्रेडिट करेंगे, और इसी लाइन में अब नगद का भी जिक्र हो रहा है तो नगदी दुकान में आ रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे। अब इस कंडीशन में कमल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब सामान और नगदी एक ही लाइन में हो, चाहे आप कस्टमर भी हो सकता है, जैसे ये आ गया भी कमल को नगद किराना सामान बेचा, इसमें अब सामान भी है, नगद भी है और कस्टमर का नाम भी है, लेकिन जब सामान और नगद दोनों एक साथ हो तो उस कंडीशन में कमल का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि जो सामान ले रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। कस्टमर का जिक्र तब होएगा जब वो हमसे उधार सामान लेता है, अगर वो नगद लेके जा रहा है तो हम उसका लेजर नहीं क्रिएट करते। इसी तरीके से अगर आपको मैं एक एंट्री और बताऊं, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से 13,175 रुपये का किराना सामान खरीदा, यानी कि हमने सामान बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से 13,175 रुपये का सामान हमने खरीदा है, तो इस लाइन को देख के भी आप डेबिट और क्रेडिट एक सेकंड में निकाल दोगे, लेकिन अगर इस बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का ओरिजिनल वाउचर अगर आपके सामने आ जाए तो क्या वाउचर को देख के भी आप डेबिट और क्रेडिट निकालोगे? तो इस जगह जो वाउचर होएगा, रियल वाउचर, वो इस तरीके का होएगा। अब हेडिंग में जो नाम आ रहा है वो बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का आ रहा है, और इसमें इसका जो इनवॉइस नंबर है, जो इनवॉइस नंबर इस वो में पार्टी जो देगी वो इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर रहेगा, 675 नंबर इनवॉइस, और यहाँ पर इसकी डेट रहेगी, और ये इसका आइटम की यानी कि स्टॉक का जो भी हमने इससे गुड्स परचेज किया था उसकी डिटेल है, इसमें इसकी क्वांटिटी भी है, इसके रेट भी हैं, और इसकी पर आइटम के टोटल कॉस्ट भी है, और जब हम आइटम के टोटल को कॉस्ट को जोड़ेंगे तो ये 13,175 रुपये उस इनवॉइस की अमाउंट है जो पूरी बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमें इनवॉइस को देख के जर्नल एंट्रीज बनानी यानी कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें भी इस लाइन को देख के हम डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है भी किराना सामान का इस लाइन में जिक्र हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये सामान अब आ रहा है या जा रहा है, सामान खरीदा, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में सामान आ रहा है, तब जो सामान हमारे बिजनेस में आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और नगदी का तो इसमें हमने जिक्र ही नहीं किया, हमने नगद खरीदा है, इसका मतलब ये एंट्री उधार है, तो उधार की कंडीशन में उधार देने वाले व्यक्ति या दुकानदार को हम क्रेडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्री अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारे नॉमिनल्स अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खर्चे के वाउचर होते हैं, खर्चे को देख के हम कैसे पता चलेगा कि ये हमारा डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चे हैं, या हमारी इनडायरेक्ट इनकम है या डायरेक्ट इनकम है, और
वाउचर को देख के उसमें से कैसे डेबिट और क्रेडिट हम तय करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है, आपके सामने जो वाउचर आ रहा है इस वाउचर को देख के आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कीजिए। जो टॉप 5 कमेंटर रहेंगे उसका अनाउंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।